वालेकुम कैसे अस्सलाम। हो? आप मैं ठीक हूँ, आपका आइए नाम क्या है? पूछो। आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? नहीं, वो आपसे पूछ रहे हैं, व्हाट इज योर नेम? व्हाट्स मेरा नाम नवीद योर है। अच्छा, नेम? व्हाट्स योर नेम? अथीना। क्या बताया ना? माय नेम इज अथीना। अथीना। असीन। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। क्या इनकी एज क्या है? ये 3 साल बड़ा की है। है। अच्छा, आवाज दीजिए। हम गुलाबी उर्दू बोलते हैं, अच्छा वाइज उसको नॉट आवाज कमिंग नहीं आ रही। आवाज। अच्छा, अब आ रही आवाज। हाँ, रही आपको आवाज? ऑलराइट। तो अभी तो ये घर पे चलो ही है, मैं बात कर स्कूल लूँ। में। बात करो। अब आप बात जाओगे? हाँ ठीक है। यू कैन लाई हाँ डाउन ऑन द बेड प्लीज। ओके, थैंक यू। आपका सवाल था कि शायरी जो है आपको आमद होती है या आप सोच के करते हैं। जी तो मेरा ख्याल है कि ये जो आमद है, ये बेसिकली सोच ही का नाम है। सही है ना? आपके जहन में एक सोच होती है, तो उसी की आपको आमद होती सही बात है। है। और आपके जहन में वो बात आती है, चाहे आपके कॉन्शियस में है या सबकॉन्शियस में है, लाशऊर में है, तो फिर वही आप शेर लिखते हैं। अब मेरा ख्याल ये भी है कि होता ऐसे है कि आपको कोई आमद हुई, जैसे कि कोट एंड कोट आमद, तो आपने कुछ सोचा और कुछ लिखा, तो उसके बाद अब आपने उसकी गजल भी करनी है, तो फिर आप उसके काफिया रदीफ देखते हैं और उस हिसाब से जी कुछ और उसमें ऐड करते हैं। तो हर जी गजल में एक हासिल गजल शेर होता है, मेरे ख्याल में वो आमद वाला होता है, और बाकी फिर शेरा उसको चार पांच और शेर ऐड करते हैं। वो भी अच्छा करते हैं, हर अच्छे बड़े शायर अच्छी शायरी करते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ऐसा होता है प्रैक्टिकली। मुझे जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो ऐसे होता है कि कोई सिचुएशन हो और उसके बाद मुझे अक्सर मैं बर्तन धो रही होती हूँ तो मुझे बहुत सारी आमद हो रही होती है। तो मैं अपना अच्छा, फोन बर्तन हमेशा ज्यादा पास जाएगा। रखती हूँ, अब हमेशा अपने पास रखती हूँ और रिकॉर्डिंग करती हूँ कि वो जो तो मैं तो भूल जाऊंगी। तो हाँ, उसमें और उससे पहले जब मैं काम पे जाया करती थी तो मुझे ड्राइविंग करते हुए बड़ी आमद होती। अच्छा, अब बस बर्तन धो। आप, मेरी दुआ है कि आप खूब बर्तन धोएं ताकि अच्छी और शायरी में इजाफा हो। आप फिर उसको लिख लेना। अब कुछ शोरा हैं जो नहीं लिखते थे और उनका काफी कलाम जाया भी हो गया, जैसे जॉन एलिया जो थे, वो बड़े इतने ऑर्गेनाइज नहीं थे, तो जी वो लिखते तो लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ हमें नहीं मिला उनका। तो मैंने एक सवाल किया था कि आपका पाकिस्तान से अमेरिका तक का सफर कैसा अच्छा, कैसा रहा? रहा? कोई तो हाँ, चैलेंजेस, चेंज? अब जैसे आप भी मूव हुए हो पाकिस्तान से, तो चैलेंजेस कॉमन हैं। नया मुल्क होता है, उसके अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसकी जबान अपनी होती है। अब यहाँ अंग्रेजी तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में पढ़ते तो थे, लेकिन जो बोल चाल की जो जबान होती है वो डिफरेंट जी होती है, जी वो आपको वहाँ रह के ही सीखनी पड़ती है। फिर कल्चर डिफरेंट होता है, और आप कोशिश करते हैं कि आपके घर का माहौल ऐसा रहे कि बच्चों को पाकिस्तान का भी कल्चर मिले, यहाँ की भी अच्छी चीज़ें मिलें। तो उसमें हम कोशिश करते हैं, हमारी बेगम खासतौर पर, उन्होंने बहुत कोशिश की है, हम भी जब वक्त मिलता है हम भी साथ दे देते हैं। लेकिन मैंने ये और चीज़ ये भी नोट की कि यहाँ बाहर जो है पेरेंट्स बच्चों से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। उसकी बिल्कुल शायद ये वजह ये है कि यहाँ दादी, नाना, नानी, दादा, ये वो लोग, चचा, वो सब नहीं होते, सपोर्ट नहीं होती इतनी, तो पेरेंट्स जो है वो बच्चों को ज़्यादा टाइम देते हैं, जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ है। तो आपके घर में उर्दू बोली जाती है बाकायदगी से? हम तो उर्दू बोलते हैं, बच्चों से भी बोलते हैं, बच्चों को समझ में आ जाती है, कुछ जवाब उर्दू में देते हैं और बाकी वो अपनी अंग्रेजी में ही और बात मेरी करते बेटी का भी अभी यही है कि कुछ हैं। उसको अच्छा, उर्दू समझ आ जाती है हाँ लेकिन ये कि अभी बिल्कुल फ्लुएंटली बोलती नहीं है, हाँ तो बस ऐसे ही तो है। समझ जाए तो भी ये भी बहुत है। और आंटी से तो हम अक्सर आपके किस्से सुना करते थे, वो बताती थी अपनी भी कहानी और बड़ा इंस्पिरेशन देते थे। मुझे बड़ा शौक था मैं डॉक्टर बनूंगी, तो हमेशा होता अच्छा, था कि नवीद भाई जैसे डॉक्टर बनेंगे, तो जेब भाई बोला करते थे पता है हम लोग बाहर बैठे होते थे और नवीद भाई अंदर बैठ के पढ़ रहे होते थे। हाँ, तो वो बचपन से ही, हमारी असल में हमारी जो दादी थी वो मुझे बचपन से ही, मेरे ख्याल में मैं फर्स्ट या सेकंड क्लास में था, तो वो मुझे डॉक्टर ही कहती थी।
आई डोंट नो व्हाई, लेकिन वो कहती थी, तो उनकी आई गेस ख्वाहिश थी कि हो ऐसा, तो वो भी एक वजह थी डॉक्टर बनने की, कि भाई हमारी दादी जान का बहुत दिल है, पेरेंट्स का भी था और उन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया, और ज़ाहिर है जो कुछ भी हैं हम सब अपने पेरेंट्स की वजह से ही हैं, लेकिन यही मोटिवेशन मिलती है कि कोई आपको सपोर्ट करे, इनक्रेज करे, तो फिर आप कुछ कर सकते हैं। हाँ, तो मेरी अम्मी का भी ऐसे ही था कि हम लोग चिन्योट से कराची इसलिए मूव हुए थे कि वहाँ पढ़ाई की तालीम की सहूलतें ज़्यादा थी, तो ज़ाहिर है उनका भी वो काफ़ी मोटिवेशन था, इनक्रेजमेंट था, उनकी अपनी काफ़ी सेक्रीफाइस थी कि उन्होंने मूव किया हमारे लिए, बच्चों के लिए। तो हाँ, माओं का तो इसमें काफी रोल है फॉर श्योर। फिर आपका डॉक्टरी से शायरी तक का कैसा सफर है? आप उस वक्त भी शायरी करते थे या? तो शायरी जो है वो उस वक्त होता ये था कि हम स्कूल में जब पढ़ते थे उर्दू लिटरेचर वगैरह तो हर स्कूल में होता है, और उसमें हम पढ़ते थे, तो मुझे ये जो उस्ताद शोरा थे जैसे गालिब, मीर और ये दर्द और इनकी जो गज़लें होती थी बहुत पसंद आती थी, कि उनमें ख्याल अच्छे होते थे और लफ्ज़ों का इस्तेमाल बड़ा ज़बरदस्त होता था, तो वो शौक साथ साथ चलता रहा। बल्कि ये हुआ कि इवन जब मैं डीजे कॉलेज में था इंटर में, और वहाँ से फिर मेडिकल में जाना था, तो वो डिपेंड करता था कि आपका कैसे मार्क्स आए, कैसे ग्रेड्स आए, आप मेडिकल में एडमिशन हो। तो मजे की बात यह है कि उर्दू में मुझे डिस्टिंक्शन मिली और केमिस्ट्री के मार्क्स कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, तो वो कंपनसेट हो गया और मार्क्स ऐसे आ गए कि मुझे डाउ में एडमिशन मिल गया। अच्छा। तो उर्दू का जुबान का इसमें काफी रोल है मेरे डॉक्टर बनने में। तो यूं कह लें लिटरेचर और मेडिसिन तकरीबन एक साथ चल रही है। तो लेकिन शायरी नहीं करते थे, सब कुछ पढ़ते थे। पढ़ते थे स्कूल में थोड़ी शायरी भी की, तो शुरू शुरू की शायरी वही थी जो बहुत पुराने स्टाइल की, पुराने असातिज़ा की तरह, आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज होती गई। अब आसान जबान में कोशिश करते हैं कि कुछ हो और लोगों के समझ में भी आए, और जो हालात हाजरा हैं, जो आजकल के करंट अफेयर्स हैं, उस पर आप लिखें ताकि लोग रिलेट भी कर सकें ना कि आप क्या कर रहे हैं। वो पुरानी वो जो इश्किया शायरी वगैरह होती थी वो अब वो भी है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता शायरी भी चेंज हो रही है जबान के साथ साथ। तो आप भी अपनी शायरी में तंज़ो मज़ाह रखते हैं? तंज़ो मज़ाह भी है शायरी में, और बाकी दूसरे पैगामात भी हैं और करंट अफेयर्स भी हैं, तो सब कुछ ही चलता है। मैं तंज़ो मज़ाह इतना इस्तेमाल नहीं कर पाती शायरी में। अच्छा, तो आप लोग की गैदरिंग्स होती हैं वहाँ पे, लोग मिलते हैं और इस तरह की कोई शेर व शायरी भी होती है? हाँ, कोई गैदरिंग्स होती है, मेरी अपनी गैदरिंग्स है। मेरे मियाँ को सुनने का शौक है, लिखने का शौक नहीं है, पढ़ते हैं वो, बहुत पढ़ते हैं, उनको पढ़ने का बहुत शौक है। या कोई और लोग और फ्रेंड्स है, वो कम्युनिटी है उनके हैं, और कुछ यहाँ पे आपको पता है दुबई का जो है एक बड़ा हब है, वो आते जाते रहते हैं, सब आते जाते रहते हैं, तो यहाँ पे उर्दू क्लब भी है, लेकिन उस लेवल के नहीं है जो मैं बाहर देखती हूँ। अच्छा। उर्दू क्लब, आई थिंक कि उर्दू का काम जो है ना बाहर ज्यादा हो रहा है, यानी यूएस, यूके और उन जगहों पे ज्यादा हो रहा है बनिस्बत यहाँ से। अच्छा अच्छा। सही सही। आपका पसंदीदा शायर? फैज़ ज्यादा पसंद है, लेकिन ज़ाहिर है हबीब जालेब भी और राहत इंदौरी, ये लोग भी बहुत अच्छे हैं, जॉन एलिया तो खास तौर पे, लेकिन ये सब प्रोग्रेसिव शायर हैं आई गेस, इसलिए मुझे पसंद है कि मेरा स्टाइल भी वही है शायद, तो फैज काफी पसंद है। तो इस बात पे फिर एक शेर हो जाए फैज का, तो एक मुझे याद आ रहा है एक कथा फैज का जो कि पंकज उदास ने गाया था, तो अगर इजाजत हो तो मैं भी आपको तरन्नुम से सुना दूं। मैं गायक तो नहीं हूं, लेकिन उसने गाया बड़ा अच्छा था, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसने कहा था कि रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए,
जैसे सहराओं में होले से चले बाद नसीब, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। वाह वाह, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। मुझे पंकज उदास वैसे ही बहुत पसंद है, मुझे पंकज उदास बहुत पसंद है, जगजीत बहुत पसंद है, और गुलजार मेरे बहुत पसंदीदा है। मैं जब बहुत उदास होती हूँ, गालिब मुझे बहुत पसंद है, तो मैं गुलजार की शायरियाँ सुनती हूँ उनकी जबानी में, मुझे बहुत मजा आता है। तो पंकज उदास, जगजीत और जगजीत सिंह, अनूप जलोटा, इन लोगों ने गजल को जिंदा रखा हुआ है नई जनरेशन। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आसान अंदाज में गाते भी हैं, सुर में तो होते हैं ये लोग, लेकिन बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं करते उसको, और उसको एक गीत की तरह गजल पेश करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन को तो बहुत पसंद आता था। आप लोग पता नहीं आजकल किसको सुनते हैं। नहीं भाई, हम तो सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, मैं तो बहुत सुनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मुझे पंकज उदास से इंट्रोड्यूस किया था एक्चुअली शान भाई ने। अच्छा, हाँ, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, और क्या कहते हैं, उस टाइम घर में छोटी थी, उनको बहुत शौक है शेर व शायरी का, तो वो बहुत सुनते थे उस अच्छा वक्त, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया उससे, और जगजीत से मुझे इंट्रोड्यूस किया मेरे वालिद साहब ने, अच्छा अच्छा वो उनको बहुत पसंद है, और मुझे जो अपने म्यूजिक का शौक है वो बहुत हद तक अपने अब्बा से आया। अच्छा अच्छा उनका शौक था। उनको बहुत शौक है, उनको बहुत शौक है, और उर्दू का भी बहुत शौक है उनको। अच्छा, तो हम इस तरह से करते थे कि हमारे पास, मेरे दादा ने मुझे कुछ किताबें दी थी जैसे नसीम हिजाजी और इन सब की, तो वो किताबें हम बाप बेटी दिन में एक दफा एक एक चैप्टर एक दूसरे को सुनाया करते थे, तो वो एक हमारा अच्छा जैसे बॉन्डिंग टाइम होता था कि एक आपने सब सुना दिया, एक मैंने सुना दिया, फिर आप अगले दिन पढ़ेंगे क्या, बड़ा तजस्स है आगे हुआ क्या था, तो ये वेट हाँ करो क्योंकि वो टाइम आएगा तो करेंगे, तो ये ऐसे हमारी एक रूटीन थी, अच्छा अच्छा तो हम अच्छा उसको बड़ा इंजॉय करते थे। वो अच्छा तो जो उस दिन उन्होंने आपकी गजल भेजी थी ना, मुझे वो सुननी है आपसे लाइव। हाँ, तो वो अताउल्ला ने गाई थी, और अताउल्ला का बेटा, मेरे ख्याल में सावन नाम है शायद उसका, जी सावन जी अताउल, तो उसने भी बहुत अच्छा गाया दोनों ने। और शायर मुझे मिला कोई फारूक रोकड़ी, शायद मियांवाली में कोई शायर है, तो उनका था पहला शेर उनका है, फिर मैं बाकी तीन शेर मैं आपको सुना देता हूँ उसके जो मैंने लिखे हैं। तो पहला तो ये था कि दिल के मामलात से अनजान तो न था, इस घर का फर्द था कोई मेहमान तो न था, दिल के मुआमलात से अनजान तो न था। इसमें ऐड किया है कि फैला रहा था दिल में जो हर रोज वसवसे, फैला रहा था दिल में जो हर रोज वसवसे, अपना ही नफ्स था कोई शैतान तो न था। शरक के बटता रहा है फिरकों में और रंगो नस्ल में, हर शख्स अपनी जात में इंसान तो न था। और आखिरी शेर है जो अभी हम बात कर रहे थे कि हमें अब आसान लफ्जों में लिखना चाहिए ताकि सबको समझ में आए, तो वो आसान नहीं है आसान लफ्जों में लिखना। तो उस पर लिखा था कि मुश्किल हुई बहुत मुझे अशआर में नवीद, मुश्किल हुई बहुत मुझे अशआर में नवीद, आसान जुबां में लिख न कुछ आसान तो न था।
क्या बात है, शुक्रिया शुक्रिया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बड़े मजे मजे के शेर हैं आपके और बड़ी मिठास है हमने, और आप गाते भी अच्छा है। हाँ बस गुनगुना लेते हैं, नुकबंदी भी चलती है। तो बेगम खुश होती है फिर, हर बेगम को यही होता है ना, हमारे मियाँ जैसे उस दिन मैं अपने मियाँ को कह रही थी कि कभी आप कुछ कह ही दिया करें, कभी कुछ शायराना बात कर दिया करें, तो आपकी बेगम खुश होती रहती है कि नहीं। तो मैं बेगम को सुनाता हूँ अपना शेर, पूछता हूँ कि ये सही है अच्छा है, तो वो जब कहती है अच्छा है तो फिर मैं उसको, वो पास करती है तो फिर मैं उसको उस पर लिखता हूँ, उफ क्या बात है क्या बात है। क्योंकि इसको आम फहम होना चाहिए, राइट, तो सबको समझ में आना चाहिए, वरना इसका कोई फायदा नहीं है। आप शेर व शायरी बिल्कुल करते रहे, हमें कोई किताब लिखने की जरूरत नहीं है, हमें बस कोई अच्छी बात कहनी है, और अगर किसी को समझ आ जाए अच्छा लगे तो तो उनको शौक है जैसे आपको है कि सिर्फ सुनने मेरी की वजह से जरूरत। थोड़ा बहुत उनको शायद हो गया है, लेकिन उनको बाकी चीजों का शौक है, पढ़ने का बहुत शौक है, शेर शायरी का भी है, लेकिन इतना नहीं है जितना आई गेस मुझे है। वैसे उर्दू का पढ़ने का शौक है कि वैसे ही ओवरऑल पढ़ने का शौक। ओवरऑल पढ़ने का शौक। फिर आपकी अब डॉक्टरी कैसी चल रही है, डॉक्टरी पे भी थोड़ी बात हो जाए। डॉक्टरी अच्छी चल रही है आजकल, आपको मालूम है कि ये जो जी इन्फेक्शन COVID-19 चल रहा है, तो इससे बस ये है कि ज्यादातर हम मरीज भी अब घर पे वीडियो कॉल्स अच्छा। के जरिए ही देख रहे हैं, तो हम मरीजों को भी उनके घर पे अपॉइंटमेंट देके और वो भी अपने फेस टाइम से या स्काइप से या किसी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम उनको घरों पे देख रहे हैं, उनका दवाएं भी उनके कॉल इन कर रहे हैं, फार्मेसी इस तरह कर रहे हैं। हॉस्पिटल में भी लोग कम हैं, अब सब लोग डरते भी हैं, जिसको नहीं ज़रूरत वो नहीं जाता, बेचारे वही आते हैं कि तबीयत ख़राब हो, तो काफ़ी चेंज आ गया है मेडिसिन में भी, और ज़ाहिर है पूरी दुनिया के हर शोबे में ही चेंज आ गया है, काम बहुत कम हो गए हैं लोगों के, घरों पर बैठ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन टूरिज़म, तो इस पर काफ़ी इफेक्ट आया है, लेकिन इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। इंशाल्लाह। पर आपको क्या लगता है जिंदगी दोबारा उसी तरीके से नॉर्मल होगी या वक्त लगेगा? मेरे ख्याल में थोड़ा चेंजेस होंगी अब पोस्ट COVID-19 जो है, या पोस्ट कोरोना, जैसे 9/11, प्री 9/11 और पोस्ट 9/11 वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंस है, इसी तरह मुझे लगता है कोरोना में भी ऐसा होगा कि कुछ चीज़ें हम वही करेंगे जो अब हमें समझ में आ गई हैं या जो हम कर पा रहे हैं, जैसे यहाँ मेडिसिन में टेली मेडिसिन का इतना रिवाज नहीं था, लेकिन अब जब आ गया है और लोगों को अच्छा भी लग रहा है और मरीजों को ड्राइव करके जाना भी नहीं है और अपॉइंटमेंट के लिए डॉक्टर के ऑफिस में वेट नहीं करना और घर पे ही फोन आ जाता है, तो ये सहूलत जो है ये लोग डिमांड करेंगे बाद में भी। हाँ कुछ लोगों को आना जरूरी होगा जो बीमार हैं या जिनको हमें देखना पर्सनली ऑफिस में जरूरी होगा क्लिनिक में, लेकिन काफी लोग ऐसे होंगे जो कि आप उनको अभी भी घर पे ही देख सकेंगे। इस तरह हर फील्ड में मेरे ख्याल में कुछ चेंजेस आएंगी। आपके हस्बैंड तो आईटी में है, वो तो पहले से ही घर पे ही कर रहे थे, वो घर पे कर रहे थे, उनको तो मेरा ख्याल है वो इस टाइम सबसे ज्यादा खुश आदमी है, वो हाँ वैसे ही बहुत इंट्रोवर्ट है, तो वो अच्छा सोशली बड़े ऑकवर्ड है, वो बाहर जाना इतना पसंद नहीं करते, तो कभी कभी हम उनको बोल दिया करते थे कि भाई बच्चों को ले जाते हैं हम बाहर चले जाते हैं, और इसके बरक्स मेरा काम जो है वो बहुत बाहर जाना है, अच्छा तो अच्छा क्योंकि मुझे लोग बुलाते हैं आप इवेंट कवर कर लें, आप यहाँ आ जाए या वहाँ आ जाए, तो मेरा काम बहुत इस तरह होता है, तो मेरे मियाँ बहुत खुश है कि मेरी बीवी इस काम से भी गई कि मुझे बोलती ही नहीं है, कोई शिकायत नहीं है इस तरह की। हाँ अगर उनसे शायरी करवाना हो तो उनसे बर्तन धुलवाओ, वो नहीं वो काम शाम कर देते हैं, काम शाम कर देते हैं बड़ी खुशी से। अच्छा 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 हाँ अभी देखिए बच्चे वही देख रहे हैं, तो काम कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो मिलजुल के ही होता है मेरा ख्याल है, जब आप बाहर चले जाते हैं ना तो आपको बड़ा इस चीज का एहसास हो जाता है कि बहुत ये मिलजुल के काम हो सकता है, अकेले नहीं हो सकता, क्योंकि सुबह के वक्त उनका काम चलता है और मैं इस टाइम फारिग होती हूँ, क्योंकि बच्चे जरा हो जाते हैं, फिर दूसरा मैं कोई इंटरव्यू वगैरह करना हो तो मैं इस टाइम फारिग होती हूँ, तो मेरा काम इस टाइम चलता है, अच्छा अच्छा तो सही वो फिर हम इस तरह पार्टनरशिप डिवाइड कर लेते हैं। आजकल के जमाने में जब उर्दू का मतलब इतना कोई अरूज नहीं है, और हम मुझे ऐसा लगता है हम पाकिस्तान में भी रह के, जैसे हम लोगों को शायद फिर इतना है कि
हम अपने बच्चों को बड़ा फोकस करते हैं, जैसे आपने कहा कि हम बहुत इन्वॉल्व है उनमें, तो हम जरा हमारा दिल होता है कि नहीं हमारे बच्चे उर्दू भी सीखे, हमारे बच्चे थोड़ी पंजाबी भी बोले, और आपको एक थोड़ी सी, क्योंकि आप वतन से दूर हैं तो आपको शायद ज्यादा याद आती है या क्या होता है, तो बट फिर भी उर्दू की वो बात नहीं है, तो क्या करना चाहिए ऐसे मामला में, मतलब उर्दू को कोई फरोग देना चाहिए ना? ख्याल में उर्दू भी जो है ना वो उसमें प्रोग्रेस हो रही है, एक इर्तका हो रहा है, तो उर्दू में बहुत से अब लोग जो हैं वो इंग्लिश के वर्ड्स भी लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, मेरे ख्याल में वो ठीक है, क्योंकि उर्दू एक इतनी अच्छी ज़बान है कि ये दूसरी ज़बानों को भी समो लेती है और इससे आगे ज़बान आगे बढ़ती है और ज़िंदा रहती है। इस बारे में जावेद अख्तर ने बहुत कुछ कहा है, तो अगर आप उनको देखें YouTube वगैरह पे सुने तो उनकी बातें बिल्कुल मुझे सही लगती हैं कि अब ये उर्दू जो है ये अब आगे की नस्लों ने अपने हिसाब से चलानी है, जो नए शायर हैं उन्होंने अपने हिसाब से और अपने तरीके से शेर कहने हैं, अब वो जो बहुत पहले थी उसमें ज़्यादातर फारसी का रंग था या अरबी का रंग था, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया, तो नए शोरा जब आए तो पुराने शोरों को ये बात पसंद नहीं आई कि वो बहुत लोकल पब्लिक की ज़बान यूज़ कर रहे थे, लेकिन फिर मशहूर वही हुए, गालिब भी शुरू में मुश्किल लिखते थे, फिर उनको खुद अंदाज़ा हुआ कि आसान भी लिखना चाहिए, तो मेरे ख्याल में उर्दू चलती रहेगी, इसकी शेप्स थोड़ी चेंज होंगी, इसमें नई चीज़ें आएंगी, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए, मेरे ख्याल में ये चलता रहेगा जब तक हम बच्चों को इन्वॉल्व रखें, तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा। बड़ी खूबसूरत बात की आपने, मैंने कभी इस तरीके से सोचा नहीं था कि उर्दू बड़ी एक एक्सेप्टिंग जबान है, कि वो हर चीज को अपने अंदर एक जज्ब कर लेती है और डायमेंशन बढ़ती ही चली जाती है, और ऐसी अगर जबान हो तो वो आगे चलती है, वरना तो जबान ही खत्म हो जाए। बिल्कुल हाँ, अगर किसी की जबान को उठा के देखें तो वो तो बहुत ही मुश्किल थी। हाँ, तो वही जो उर्दू बनी ऐसी थी ना, उर्दू का उर्दू लफ्ज का मतलब है लश्कर या कैंप, तो टर्किश का वर्ड है, और इसमें सारे जो इन्वेडर्स मुख्तलिफ मुल्कों से जो आए थे सोल्जर्स, उनका और लोकल हिंदी इंडिया के जो सोल्जर्स थे उनसे मिलके जबान बनी, जिसको पहले रेख्ता कहते थे, और फिर उन्होंने ये जबान यूज की जो सबको कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से, तो उर्दू ऐसी जबान बनी कि उसमें ऑलरेडी दूसरी जबानों को जज्ब करने का एक मौजूद है, एक एक चीज कि वो जज्ब कर सकती है दूसरी जबानों को, तो अब तक चल रही है और चलती रहेगी। शायरों के बारे में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि वो बड़ा तन्हा रहते हैं, तन्हा पसंद होते हैं, उदास होते हैं, ये सब होते हैं, ऐसा होता है, हकीकत है? मेरा ख्याल है कि ये सभी का होता है, बहुत से लोग एक्सप्रेस आई गेस शायर जरा बेहतर कर पाते हैं, लेकिन उदासी एक तो उदासी होती है कि आप कोई कोई चीज चाह रहे हैं जो नहीं मिली, एक वो होती है कि आप के अंदर अंदर की उदासी होती है कि आप कुछ और करना चाह रहे हैं जो हो नहीं पा रहा, तो मेरे ख्याल में सबके पास खुशी रंज और गम जो है दोनों एक साथ चलते हैं, तो लेकिन शायर का ये है कि उसको चूंकि एक्सप्रेस ज्यादा करता है तो शायद हमें लगता है कि वो ज्यादा उदास है। आपको ऐसा लगता है कि शायर की जिंदगी ऐसी थी कि वो बेचारे उदास ही थे, अब जैसे जॉन एलिया की तो अपनी जिंदगी में काफी मुसीबतें और उन्होंने झेली, गालिब ने झेली, तो उन्होंने तो अपने आप को एक्सप्रेस किया, फिर एक वो ट्रेंड भी बन गया, जो उदास नहीं भी थे उन्होंने भी उदासी के शेर लिखने शुरू कर दिए, तो ऐसा भी हुआ है, हमने भी उदासी पर लिखा हुआ है, बल्कि मेरी जो सबसे पहले गजल उदासी पर ही थी। अच्छा सुनाए। तो वो स्कूल के जमाने में थी, तो चूंकि मैं उस वक्त बड़े शोरा को पढ़ रहा था तो मेरे जहन में भी कुछ तरह के ख्याल आते थे, तो वो मैं आपको सुना देता हूँ। सबसे पहली गजल मेरी यही है कि उदास है मेरी शामें, है हर सहर तन्हा, गुजर रही है मेरी जिंदगी मगर तन्हा, न जाने कौन सा मौसम है, कौन सी रुत है, खड़ा है सहने गुलिस्तां में हर शजर तन्हा, शबे फिराक में बस गम ही था हमदर्द के जो, आ गया पास मेरे मुझको देख कर तन्हा, बस यही सोच कर कुछ जख्म दिल ने बांट लिए, बस यही सोच कर कुछ जख्म दिल ने बांट लिए कि किस तरह इन्हें सहता मेरा जिगर तन्हा। क्या बात, क्लासिकल स्टाइल में था।
फिर था कि नवीद वो तो तेरे अपने दिल में रहता है, नवीद नवीद मेरा नाम भी है, तखल्लुस भी है, कि नवीद वो तो तेरे अपने दिल में रहता है, तुझे उसको ढूंढ रहा है नगर नगर तन्हा। वाह वाह, जबरदस्त। तन्हाई का टॉपिक भी हमने कवर कर लिया है, ये शोरा में है, ये काफी कॉमन। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। और आपको ऐसा लगता है कि शायर ज्यादा फील करते हैं, ज्यादा सेंसिटिव होते हैं चीजों को लेके? मेरा ख्याल है जब भी वो फिर सेंस फील ज्यादा करते हैं तो फिर वो एक्सप्रेस भी करते हैं, दोनों चीजें हैं। आई थिंक सेंसिटिव होते हैं, तो मेरा ख्याल है। आप हैं सेंसिटिव? मैं भी सेंसिटिव हूँ, और जाहिर है जब तक आप सेंस नहीं करेंगे और आपको ये बातें लगेंगी नहीं, तो आप लिख नहीं पाएंगे ठीक से। मेरे ख्याल में अदीब भी शायर भी, बल्कि हर आर्ट में, मेरे ख्याल में पेंटर भी और जो भी जिसमें भी आर्टिस्टिक क्वालिटीज हैं वो फीलिंग। सेंसिटिव लोग हैं। बिल्कुल, क्योंकि मुझे अक्सर सुनने को मिलता है कि मतलब शायद कि मैं बहुत ज्यादा फील करती हूँ या क्या है, तो बड़ा दुख लग जाता है मुझे हर चीज का। हाँ नहीं, सेंसिटिव होना ठीक है, दुख नहीं लगाना चाहिए। मुझे दुख बीच में एक वक्त ऐसा आया था, बड़ा एक डार्क सा पैच था, उसमें बहुत दुख लग जाता था हर बात का, हर बात का। कोई भूखा क्यों है, कोई रो क्यों है, किसी को परेशानी क्यों है, बहुत दुख लग जाता था। और इतनी तकलीफ होती थी कि समझ नहीं आती थी कि करूं, क्योंकि बेबस हूँ, इतना कुछ तो नहीं कर सकती, तो हाँ समझ नहीं पाती थी कि कैसे करूं, क्या करूं जो ये ठीक हो जाए। लेकिन फिर वो ऐसा ऐसा करके शायद वो माँ बन गई, फिर तो फिर एक अंदर से एक वो आ गया, स्ट्रेंथ आ गई थोड़ी सी कि नहीं चलो अब आगे इसे करना है, ठीक है इसको करेंगे। सही सही बात। तो मुल्क पे कुछ लिखा है? अपने मुल्क के बारे में बस वही कि जो चीजें हैं वो थोड़ी बेहतर हो। अब जैसे बहुत सी चीजें हैं जो पाकिस्तान में, हमारा शायद हम लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं पाकिस्तान के बारे में, चूंकि हम लोग बाहर रह रहे होते हैं। तो वो आपने सुना था, एक कोई शायरी है, कोई रमजान मोहम्मद साहब हैं और रविंद्र हरी ने गाया था उसको, और एक सरदार बच्चा भी है, उसने बड़े अच्छे तरीके से गाया था, वाह मेरे या रब्बा तेरे नहीं, मैंने नहीं सुना। सारे रंग न्यारे। तो वो बड़ा अच्छा अच्छा। था, तो वो मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने उसको उर्दू में ट्रांसलेट भी किया। तो उसमें मुल्क के बारे में और सब चीज़ों के बारे में और हालात के बारे में काफ़ी उसका जिक्र है, तो मुझे अच्छा लगा। तो आजकल मैं यही कर रहा हूँ कि मैं अगर कुछ सुनता हूँ और मुझे अच्छा लगता है, किसी ने गाया अच्छा होता है या उसमें लफ्ज अच्छे होते हैं या शेर अच्छे होते हैं, तो उसमें मैं ऐड करना शुरू कर देता हूँ। अब ये मेरा शायरी का एक स्टाइल हो गया, बजाय इसके कि मैं नए सिरे से कोई नई गजल लिखूं, मैं उसी को लेके उसमें फिर अपना थोड़ा सा रंग डाल देता हूँ, अपने तौर पे करता हूँ। तो नई मेरे जो शेर हैं वो उसी तरीके पे ही हैं। तो कुछ सुनाएंगे? तो एक है, शायर हैं अख्तर शिरानी, और इनको गाया था अहमद जहांजेब ने और फिर मोहसिन अब्बास ने भी गाया था, अच्छा। मुझे काफी अच्छा लगा था। तो पहला मैं उसका शेर ज़ाहिर आपको गुनगुना के सुना देता हूँ, फिर मैं अपने एडिशनल आपको बता देता हूँ। तो आपने सुना हुआ होगा ये, वो ये कहता है कि देख सकता है भला कौन ये प्यारे आंसू मेरी आंखों में ना जाए, तुम्हारे आंसू। तो उसमें मैंने फिर ऐड किया है कि रंगारंग हैं ये मेरी आंख के सारे आंसू, रंगारंग यानी वर्सटाइल डाइवर्स, रंगारंग हैं ये मेरी आंख के सारे आंसू, गम के भी और खुशी के भी इशारे आंसू, गम में भी हैं खुशी में भी हैं। झील में चांद को देखा तो हमें ऐसा लगा, झील में चांद को देखा तो हमें ऐसा लगा जैसे हो यार का चेहरा और हमारे आंसू। तो ये एक क्या बात। तशबीह है, एक इशारा है कि झील में चांद को देखा तो हमें ऐसा लगा जैसे हो यार का चेहरा और हमारे आंसू। देखते देखते तस्वीर तेरी बनती गई, मेरी पलकों ने जो कागज पे
संवारे आंसू, ठीक से देख ना पाया तुझे वक्ते रुखसत, ठीक से देख ना पाया तुझे वक्ते रुखसत, धुंधला देते हैं ये सारे नजारे आंसू। क्या बात है। और मकता है कि खुदकुशी करते रहे आंख से गिर गिर के नवीद, खुदकुशी करते रहे आंख से गिर गिर के नवीद, और करते भी तो क्या दर्द के मारे आंसू। क्या बात, एडिशन था, तो उम्मीद है आपको पसंद आए। बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। इतने साल रहने के बाहर रहने के बावजूद आपने उर्दू से अपना ताल्लुक कैसे बरकरार रखा? तो जैसे आपने कहा ना, आपके यहाँ भी होता है और यहाँ उर्दू में काफ़ी काम होता है, लोग मुशायरे भी होते हैं, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो एलुमना है यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तकरीबन हर साल ही वो मुशायरा करते हैं जिसमें किसी बड़े शायरों को इंडिया से भी पाकिस्तान से भी बुलाते हैं। तो मुझे भी कुछ लोकल शोरा के तौर पर कुछ इन प्रोग्राम्स में पढ़ने का भी मौका मिला, तो उससे इंटरेस्ट रहता है। कभी कभी तो इसलिए भी लिखते थे कि यार कोई नई चीज लिखें कि जो लोगों ने सुनी ना हो, तो वक्त निकाल के कुछ और उस पर काम करें। बाकी अब बिजी हो गए, काम बहुत है, तो अब कोरोना की वजह से दोबारा शौक शुरू हो गया, बहुत वक्त मिल गया है बैठे हुए, तो अब कोरोना के बारे में भी शेर लिख रहे हैं और नई नई चीजें आ रही हैं जहन, ये भी चल रहा है। कोरोना के बारे में आपको मैं सुना देता हूँ, कुछ लिखा तो है। हाँ, चूंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, सब कैद में है, तो उस पर लिखा था कि कैदी भी कैद में है, दरबा है कैद में, कैदी भी कैद में है, दरबा है कैद में, इस कैद से निकलने का सामा है कैद में। सड़कों पे कोई शख्स दिखाई नहीं देता, सड़कों पे कोई शख्स दिखाई नहीं देता, अब जानवर आजाद है, इंसान है कैद में। और चारों तरफ जो फैल गई है वबा यहाँ, अब उससे बच निकलने का दरमा है कैद में। क्या वक्त आ गया है कि हम मिल भी ना सकें, नवीद मैं यहाँ पे वो वहां है कैद में। क्या बात है, जबरदस्त। उसमें एक शेर था कि जो मैंने भी कहा कि वक्त वक्त की बात है ना, अब वक्त मिल गया है, तो उसमें था कि आजाद था तो सोचने का वक्त भी ना था, आजाद था तो सोचने का वक्त भी ना था, अब खूब तखयल मेरा रक्सा है कैद। क्या बात है। और उसमें एक और शेर था कि इस कैद में मजहब की कोई कैद नहीं है, इस कैद में मजहब की कोई कैद नहीं है, हिंदू यहूदी सिख और मुसलमान है कैद में। और वाकई वो बड़ी आपने सही बात की है कि जानवर तो आजाद हैं, इंसान है कैद में। सही बात, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। अब जाते जाते भी ये कोई एक शेर हो जाए। जाते जाते आपको किस तरह का मेरी गजल कोई कोई भी जो आपके दिल को बड़ी लगती हो। अच्छा, तो नहीं, मैं से ही आपको सुना देता हूँ अभी। वो जो मैं आप कह रहा था कि एक बच्चे ने बहुत अच्छा गाया, तो उसका मैंने उर्दू में ट्रांसलेशन किया, तो मैं आपको उर्दू में सुना देता हूँ। के वा ए मेरे मौला, वा ए मेरे मौला, तेरे कैसे रंग न्यारे कोई नखरे करके खाए, कोई भूखे मरे बेचारे। वा ए मेरे मौला, मट्टी में मशक्कत सारा दिन, फिर भी न मयसर रोटी, किसान के खून पसीने से जमींदार बनाए कोठी, सच की आवाज दबी है,
सच की आवाज दबी है और झूठ बहुत ललकारे, कोई नखरे करके खाए, कोई भूखे मरे बेचारे, वाह ऐ मेरे मौला। चूस के खून गरीबों का, आ गई चेहरे पे लाली, ये पैसा काम नहीं आया, जितनी भी रकम कमा ली। दिन कटते हैं फिक्रों में और रातें गिन गिन तारे, दिन कटते हैं फिक्रों में और रातें गिन गिन तारे, कोई नखरे करके खाए, कोई भूखे मरे बेचारे, वाह ऐ मेरे मौला।